में का सिल्की सूट के साथ दिलाऊं, भोज कराऊं, सदके जाऊं, तुझको सैर कराऊं, तुझको सैर कराऊं, तुझको सैर कराऊं। जेट प्राइवेट में, अपने जहाज में, अपनी ओटी में, अपनी वियेट में, ओलैंड क्रूजर में। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम वापस आ गए बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक गाना है जिसका नाम है जेट प्राइवेट में। मतलब इनके पास शायद प्राइवेट जेट है कुछ ऐसा, या फिर प्राइवेट जेट में ट्रेवलिंग करते हैं, कुछ ऐसा सा सीन होने वाला है शायद। और ये एक ईद सॉन्ग है 2024, तो शायद ये ईद पे भी हो सकता है डेडिकेट, पर फिर ये मेरे को कंफ्यूजन है। तो इसका टाइटल जेट प्राइवेट में क्यों है, लाइक तो फिर अगर ईद है तो फिर है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। बाकी देखते हैं कि ये गाना कैसा। और अगर हम बताएं असगर खोसो के बारे में, तो हम इनको पहली बार ही सुन रहे हैं ना, हमारे को आइडिया नहीं कैसे गाने में जाते क्या है। और ये हमारे एक सब्सक्राइबर है फवाद, उन्होंने हमें ये सेंड किया है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। सुफिया आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। बहुत फन था। जाना सारे यूरोप का एक टूर में करवाऊं, मामा गो गुरु सवाल बनी दे। जाना सारे यूरोप का एक टूर में करवाऊं, तुमको तेरे नखरों के संग साथ में लेकर जाऊं, साथ में लेकर जाऊं, साथ में लेकर जाऊं। जेट प्राइवेट में, अपने घर में, अपनी बॉडी में, अपनी वियेट में, ओलैंड क्रूजर में। अरे इनका तो हम लोग देख सकती है ना, एक व्लॉग जो ब्लॉगर है ना, उसको मुझे जरूर लगेगा। ब्रेसलेट सोने का सिल्की सूट के साथ दिलाऊं, जाना ओ जाना ओ जाना 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 जाना। ब्रेसलेट सोने का सिल्की सूट के साथ दिलाऊं, ब्रेसलेट सोने का सिल्की सूट के साथ दिलाऊं, भुज कराऊं, सदके जाऊं, तुझको सैर कराऊं, तुझको सैर कराऊं, तुझको सैर कराऊं। जेट प्राइवेट में, अपने जहाज में, अपनी ओटी में, अपनी वियेट में, ओलैंड क्रूजर में। ना रेज मची जिंगो केर खाइंदो जाना, मेहर जो मिठो माओ केर खाइंदो जाना। ना रेज मची जिंगो केर खाइंदो जाना, मेहर जो मिठो माओ केर खाइंदो जाना। लंदन का स्ट्रीट फूड खिलाऊं, दुबई का फेमस बर्गर, जाना ओ जाना ओ जाना 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 जाना। लंदन का स्ट्रीट फूड खिलाऊं, दुबई का फेमस बर्गर, लंदन का स्ट्रीट फूड खिलाऊं, दुबई का फेमस बर्गर। घूमेंगे सारी दुनिया, देखेंगे एफिल टावर, देखेंगे एफिल टावर वाली पोएम। जेट प्राइवेट में, अपने जहाज में, अपनी ओटी में, अपनी वियेट में, ओलैंड क्रूजर में। तू तो मैं तो तू, आई लव यू। जेट प्राइवेट में, असगर खोसो, अली गुल मल्ला। यार ये गाना बहुत फनी था, बहुत ज्यादा फनी था। अपने प्राइवेट जेट में ऐसा सा ये गाना था, और मेरे को ये लिटरली गाने से कम नर्सरी क्लास की वो पोएम लग रही थी, जैसे मम्मी बनाती नहीं थी क्या हम लोगों को खाना खिलाने के लिए या फिर सोने के लिए। प्राइवेट जट में उबले, और जो वो दूसरे थे ना, जो वो बल्ले बल्ले कर रहे थे, मेरे को लगता है वो व्लॉगर है, पाकिस्तानी व्लॉगर, क्योंकि मैंने इनका ना एक ईद व्लॉग देखा है। इन्होंने दिखाया था कि ये मतलब की
सब्जियां वगैरह लेकर आए थे, कितनी महंगी है पाकिस्तान में ये वो, तो शायद मैंने इनको देख रहा था, मुझे लग रहा है मेरी फीड में आया था एक बार यूट्यूब की। बाकी आपको क्या कहना है कि आपको ये गाना कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मुझे तो ये गाना बहुत फनी लगा, लिटरली बहुत ज्यादा। और उसमें जो राय मिलाई थी, ऐसे लग रहे थे कि नर्सरी क्लास के बच्चे है वो, और अपने प्राइवेट जेट में, अपनी प्राइवेट अपनी प्राइवेट कार में, और लिटरली तुम मतलब यार इसमें मिलियन में व्यूज आए, तो मतलब लोगों ने इनको कितना सुन लोगे। पहले मुझे लगा कि ये शायद हिंदी में भी नहीं है, ये दूसरी लैंग्वेज है ना, मेरे को सिंधी लैंग्वेज लग रही थी और दूसरी लैंग्वेज लग रही थी बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये हिंदी लैंग्वेज में था। और ये जब आया ना कि लंदन में स्ट्रीट फूड खिलाऊंगा और बर्गर खिलाऊंगा, यार वो बहुत हिलेरियस पार्ट था, बहुत ज्यादा हिलेरियस पार्ट था। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करें अगर आपने। बाय।